हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका पहला सवाल है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। आपका ऑप्शंस है 1965, 1947, 1951, 1971। इस सवाल का सही उत्तर है 1951। 1951 में भारत की थी। पहली जनगणना। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। आपका पहला ऑप्शंस है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस सवाल का सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों इस सवाल के अंत में एक प्रश्न का जवाब आपको देना है, देखते हैं कितने लोग दे पाएंगे। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। आपका ऑप्शंस है श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती शीला दीक्षित, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों इसका सही उत्तर है, भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। दोस्तों ऐसे ही जीके की जानकारी के लिए हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत के सर्वप्रथम थल सेना अध्यक्ष जो भारत के थे कौन थे। आपका ऑप्शंस है जनरल मनोज पांडे, जनरल जय जय सिंह, जनरल राजेंद्र सिंह, जनरल एम करियप्पा। दोस्तों इसका सही उत्तर है जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे भारत के सर्वप्रथम थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। आपका ऑप्शन है हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, बिहार में। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, राजस्थान में। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपका ऑप्शंस है लॉर्ड विलियम बेंटिक, आर्यभट्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों इसका सही जवाब है ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे। आपका ऑप्शंस है एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी, एयर मार्शल अर्जुन सिंह, एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्रलाल, एयर चीफ मार्शल विवेक रामचंद्र चौधरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन थे। आपका ऑप्शन है एडमिरल रामदास कटारी, एडमिरल जे टी एस हाल, एडमिरल ए के चटर्जी, एडमिरल आर के हरि कुमार। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है एडमिरल रामदास कटारी। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। आपका ऑप्शंस है व्योमेश बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, रामनाथ सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। आपका ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद राशिद खान मलिक, जाकिर हुसैन, डॉक्टर समीर कटारी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है जाकिर हुसैन। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत के सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन है। आपका ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, व्योमेश बनर्जी, मनमोहन सिंह, जय कुमार यादव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत के तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष कौन थे। जनरल नरवणे, जनरल वीपी राव, जनरल जय जय सिंह, जनरल एस के सिंह। दोस्तों इसका सही जवाब है जनरल विपिन रावत, सीडीएस जनरल विपिन रावत तीनों सेनाओं के ऊपर थल सेना अध्यक्ष रहे। दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखते हैं कितने सही जवाब दे पाते हैं। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है। जनरल मनोज पांडे, जनरल एस भाटिया, जनरल राजेंद्र सिंह, जनरल विक्रम सिंह। देखते हैं दोस्तों कितने का आंसर सही होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।